त्योहारी सीजन शुरू होने वाला है और ऐसे में इस मौसम में चोरी और छिनतई की घटनाओं में लगातार इजाफा देखने को मिलता है। अगर इस तरह से कोई घटना होती है तो सबकी नज़र सबसे पहले आसपास के क्षेत्र में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे की ओर जाती है। लेकिन आपको बता दें कि धनबाद शहर में 28 जगहों पर कुल 116 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिनमें से तकरीबन 50% सीसीटीवी कैमरे खराब है। 70 कैमरे ऐसे जो कि खराब हो गए हैं। जिस एजेंसी को ये काम मिला था उसकी कार्यकाल जो है वो समाप्त हो गई है, जिसके वजह से उसके बाद से जो है उसे सही ढंग से चालू नहीं किया गया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ भी अलग अलग दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन अब तक इसके बारे में सही जानकारी नहीं मिल पा रही है कि ये जो कैमरे लगे हुए हैं ये वाकई में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह से 70 ऐसे कैमरे हैं जो कि बंद पड़े हुए शहर में अलग अलग स्थानों पर। शहर में आपराधिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नगर निगम ने 2017 में ही शहर के 28 जगहों पर 116 आधुनिक कैमरे लगाए थे, सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, लेकिन 70 कैमरे जो हैं वो खराब पड़े हुए हैं। अगर हम बात करें कि कहां कहां कैमरे लगे हैं तो सीजीएम कोर्ट, रणधीर वर्मा चौक, विवेकानंद चौक, झारखंड मोड़, स्टील गेट, किसान चौक, मेमको मोड़, SSLNT कॉलेज, करकेन बाजार, इस तरह से तमाम अलग अलग जगह पर ये कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इनमें से 70 कैमरे अब भी खराब पड़े हुए हैं। इस पर लेकर कोई ठोस पहल ना ही प्रशासन की ओर से की जा रही है, ना ही कोई एक्शन लिया जा रहा है। ऐसे में हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ओर जहां धनबाद को ये कहा जा रहा है कि अपराधियों का गढ़ हो गया, आपराधिक मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है, तो वहीं इस तरह से लापरवाही जो बरती जा रही है इससे आम पब्लिक के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा डर और भय की स्थिति बनी हुई है। देखते हैं कि क्या पूजा शुरू होने से पहले इन तमाम परेशानियों को सही ढंग से ठीक कर लिया जाएगा, या फिर लोगों को इसी डर और चिंता ही और जो यहाँ पर आपराधिक घटनाएँ हो रही हैं इसका सामना करना पड़ेगा। इस तरह की तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शाम भवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।